हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ महर्षि अरविंद यूनिवर्सिटी के बारे में कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि फायरफॉक्स, मोज़िला या फिर एज। देन आपको इसमें टाइप करना है महर्षि अरविंद यूनिवर्सिटी जयपुर 2023 एस पेपर IAS पेपर। ये एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ से आपको महर्षि अरविंद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन यहाँ पर दिया गया है महर्षि अरविंद यूनिवर्सिटी 2023 एस पेपर। एप्लीकेशन स्टार्टेड डेट्स, एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस। यहाँ पे UGN PG कोर्सेज के लिए इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड देन यहाँ पे 2015 में स्टार्ट हुआ था, देन नोटिफिकेशन आया है कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट हो चुका है। क्लिक केयर पे आप क्लिक करेंगे, देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दिया गया है। देन यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है एंड देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। वहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। देन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको अपना नेम टाइप करना है। यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट। देन यहाँ पर मैसेज डाल के आपको डाउनलोड पर क्लिक करना होता है। फिर आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। वहाँ से आपको अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स डिटेल्स एंड आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देनी होती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में से कि आपको अपना नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, रिलेशन, कास्ट, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। देन आपको अपना एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देना होता है। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में जैसे कि आपको अपना जो है टेंथ एंड ट्वेल्थ का परसेंटेज बताना होता है, कौन सी ईयर में आपने कंप्लीट किया था, कौन से स्टेट से कौन सी